अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत मजे का ड्रिंक लेकर आई हूँ। उसकी रेसिपी, अब जैसे जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो सब मांगते हैं कुछ ठंडा हो, कुछ मजे का हो, कुछ रिफ्रेशिंग सा हो। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत मजे के ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसका नाम है मिंट मार्गरीटा। तो मिंट मार्गरीटा के लिए जो हमें रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है स्प्राइट, इसके बाद ये पुदीना, मिंट लीव्स हमें चाहिए, ये फुल एक बाउल हम मैंने लिया है, और ये इसमें मैं लेमन जूस में डालूंगी। उसके बाद इसमें नमक और काला नमक थोड़ा जाएगा, और उसके बाद इसको हम अच्छे से चिल्ड करेंगे अपनी इस आइस के साथ। तो चलिए अब इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मिंट मार्गरीटा। सबसे पहले ये मैंने डाला है, इसमें मिंट लीव्स डाले हैं, ये एक बाउल है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस 2 to 3 टेबलस्पून। ये भी वैसे आपके अपने टेस्ट पे, अपने फ्लेवर पे डिपेंड करता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेमन जूस से। कुछ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ इसको अवॉइड भी करते हैं, तो भी ठीक है। अभी इसमें हम डाल रहे हैं स्प्राइट। स्प्राइट भी डाल ली। अब इसमें मैं डालूंगी टेस्ट ऐड करने के लिए मजीद थोड़ा सा सॉल्ट, और ये थोड़ा सा नमक। इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी आपने बस एक थोड़ा फ्लेवर देने के लिए डालना है। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी क्रश आइस डालूंगी। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ब्लेंड हो गया मिंट मार्गरीटा। अब हमने इसको ग्लास में डालते हैं। अब मैं इसको ग्लास में डालने, लेकिन मिंट मार्गरीटा को ये इन ग्लासों में मैंने आइसिंग की थी कि जरा प्रेजेंटेशन अच्छी सी लगी हमारे ग्लास की। ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। समर्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट ड्रिंक है। आप इसको जरूर ट्राई करें, ये सबको पसंद आने वाला ड्रिंक है। बच्चे बड़े इवन सब, हर एज पे ये सबको बहुत पसंद आता है। जी व्यूअर्स, अब ये मेरा ड्रिंक तैयार हो चुका है मिंट मार्गरीटा। बहुत ही अच्छी और बहुत रिफ्रेशिंग ये रेसिपी है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे कॉमेंट में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।